सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्योपुर के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम एसडीएम मनोज गढ़वाल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक शैलेंद्र तोमर द्वारा अवैध कोचिंग संचालित किए जाने के विरोध में अभाव विप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नगर मंत्री आशुतोष मित्तल ने बताया कि शिक्षक शैलेंद्र तोमर विद्यालय में पढ़ाने नहीं जाते हैं, वो अपने घर में अवैध तरीके से कोचिंग का संचालन कर रहे हैं, जो कि राइट टू एजुकेशन RTE के तहत गलत है। एबीवीपी जिले भर में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रही है। आंदोलन में गणेश शर्मा, मौसम जांगिर, सूर्यप्रकाश मीणा, सुनील गुर्जर, विष्णु वाल्मीकि सहित कई विद्यार्थी उपस्थित रहे। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। केवल एक है कि शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर पर प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, जो कि RTE के नियम के विरुद्ध है। और हम स्पष्ट मांग एक ये करना चाह रहे हैं विद्यार्थी परिषद की ओर से कि ऐसे शिक्षकों का तुरंत जिला प्रशासन जो है उनका सस्पेंशन ऑर्डर जो है जारी करे, और ऐसे शिक्षकों को शासकीय नौकरी देने का प्रावधान बंद किया जाए। अगर ऐसे शिक्षक कोई अगर ऐसी जो प्राइवेट ट्यूशन अगर दे रहे हैं तो उनका सस्पेंशन ऑर्डर हमें तत्काल रूप से चाहिए, ये हमारी स्पष्ट मांग है। सटीक भाई,